एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग ऑक्शन हाउस में गया होता है जहाँ पर ऑक्शन हो रहा होता है, और अब ऑक्शन का आखिरी प्रोडक्ट ऑक्शन होने के लिए आ जाता है जो कि क्यूवा का फूल और पत्ता होता है। उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग तो उसे देखकर रोने ही लगे होते हैं क्योंकि वो उसे ज़िंदगी में पहली बार देख रहे होते हैं और उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए कहने लगे होते हैं। लेकिन तभी ऑक्शनर कहते हैं कि क्यूवा को पोजेस करने वाला पैसा या फिर क्रिस्टल नहीं चाहता है बल्कि इसका पोजेसर पोजन किंग चाहता है। इसके बाद ऑक्शन का बैक स्टेज को दिखाते हैं जहाँ पर वॉन्ग पर्सनली वो ड्रैगन हॉर्न को खरीदकर फेंग को गिफ्ट कर देता है, जिसके लिए फेंग उसे थैंक्स बोलकर उसे क्यूवा के बीस और पत्ता देकर पोइजन किंग को जमा करने के लिए उस प्रोसेस को जारी रखने के लिए कहता है। बीस पत्तों को देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर फेंग जाते हुए कहता है कि बेमंग अकाउंटी को मैं खुद ही ढूंढने जा रहा हूं, अगर मैं एक साल में वापस नहीं आ पाऊंगा तो किंग यू नाम की एक लेडी यहां पर आएगी, उसे पोइजन किंग दे देना। वांग कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं डेफिनेटली एक साल में सभी हर्बों को जमा कर लूँगा। इसके बाद फेंग वापस होटल रूम में चला जाता है जहाँ पर जाकर वो अभी जितना भी पोइजन किंग को जमा किया होता है वो सब किंग यू को दे देता है और एक साल में वापस आकर बाकी को जमा करके लाने के लिए बोलता है। उसकी बातें सुनकर वो हैरानी से पूछती है कि क्या तुम बेमंग फॉरबिडन लैंड जा रहे हो। फेंग हाँ में जवाब देकर कहते हैं कि ऑक्शन हाउस का मैनेजर मेरे हेल्प करने के लिए बोला है और अगर मैं एक साल में वापस नहीं आऊँगा तो सभी जमा किया हर्ब वो तुम्हें दे देगा। किंग यू कहते हैं कि मैं एक साल तक तुम्हारा इंतजार करूँगी और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, ये बोलकर वो चली जाती है। इसके कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर फ्रैंक बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और वो अपने सभी पांच एलिमेंट आइस फायर गोल्ड वाटर और अर्थ को फ्यूज करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह आराम करने ही वाला होता है कि तभी कोई वहां पर अटैक करके उसका दीवार को ही तोड़ देता है। उतना ज़्यादा पावर को देखकर फेंग एक पल के लिए डर जाता है लेकिन बाहर में मौजूद बंदे को देखकर पूछता है कौन हो तुम। वहीं पर वो बंदा और कोई नहीं बल्कि होली सन होता है जो कि उसका जवाब ना देकर उससे पूछता है तो क्या तुम ही शूमो हो। उन दोनों को देखकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गया होता है और सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि कहीं वो लोग फाइट तो नहीं करने वाले हैं ना। वहीं पर होली सन उससे कहता है कि लियू रूशन सिर्फ और सिर्फ मेरी है और जो भी उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा उसे मरना पड़ेगा। अब जाकर फेंग को पता चलता है कि आखिर वो बंदा क्यों पगला रहा है। वो जानकर फेंग उससे कहने की कोशिश करते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गया है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले होली सन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फेंग अपना शॉट का यूज करके खुद का बचाव करने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो उस पर अटैक कर देता है और वो इतना ताकतवर होता है कि फेंग जमीन के अंदर जाकर गड़ा जाता है, जिससे देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि एंशिएंट सिटी में तो लोगों को जान से मारना फॉरबिडन है ना। दूसरा कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई आउटसाइडर के लिए होली सन को मारेगा। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जहां पर वो जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और अब वो भी काफी भड़क गया होता है और बाहर निकलते हुए कहते हैं कि अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये बोलकर वो अपने क्लिम आर्म को निकालकर हमला करने के लिए चला जाता है। उसका हाथ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कहीं वो बारबेरियन का डिसेंडेंट तो नहीं है ना। वहीं पर फेंग उस पर अटैक करने जाता है जो देखकर होली सन कहता है तुम काफी कमजोर हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने चला जाता है लेकिन फेंग वॉइड में ट्रेवल करके वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर होली सन एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और तभी फेंग उसके पीछे आकर उससे कहता है कि तुम काफी स्लो हो। ये बोलकर वो उसकी पीठ पर अटैक कर देता है और जब होली सन उस पर अटैक करने जाता है तो फेंग फिर से टेलीपोर्ट होने लगा होता है, जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। लेकिन तभी वो अपना सन गॉड बॉडी का यूज करके काफ़ी ज़्यादा लाइट एक्सट्रैक्ट करने लगा होता है, जिससे फेंग वॉइड में ट्रेवल नहीं कर पाता है, नीचे गिर जाता है और वो अपना असली रूप में आ जाता है। वहीं पर उसका सन गॉड बॉडी को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेयर बॉडी में से एक होता है। लेकिन तभी वहाँ पर लियू रूशन आकर फेंग का बचाव करते हुए कहती है कि तुम उसे मार नहीं सकते हो क्योंकि ये लांगचा के एंशिएंट सिटी है और यहाँ का रूल को वायलेट मत करो, मारना अलाउ नहीं है वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। होली सन काफी ज्यादा एरोगेंट होकर उससे कहता है कि मैं यहाँ का रूलर हूँ और मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। ये बोलकर वो उसे साइड करके फेंग पर अटैक करते हुए कहता है कि आज तुम्हें मरना पड़ेगा। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं और वो भी हार ना मानकर अपने स्काई मुद्रा वाले स्किल का यूज करके सभी एलिमेंट का पावर का यूज करके एक बहुत ही बड़ा हाथ बनाकर उसे रोकने चला जाता है, जिससे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन वहीं पर वो देखकर होली सन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। ये बोलकर वो काउंटर अटैक करता है और उसका पावर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिससे फेंग फाइट बैक कर ही नहीं पाता है और उसे फिर से चोट लग जाती है और वो फिर से जमीन पर पटका जाता है। वहीं पर इस रिजल्ट से होली सन काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं भी देखता हूँ कि फ्यूचर में कौन मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका ज्यादा देर तक एरोगेंट होने से पहले ही उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हाथ आकर उसे इतना जोर से मारता है कि इस बार वही जमीन से जाकर टकरा जाता है, जिससे वहां पर एक बहुत
बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वो देखकर जल्दी से वहां पर होलीसन का बॉडीगार्ड आकर चिल्लाने लगे होते हैं कि आखिर इन पर अटैक करने के किसका इतना हिम्मत हो गया है। वहीं पर एल्डर फैंग को दिखाते हैं जो आते हुए कहता है कि मैंने अटैक किया है और उसके पीछे वांग कैंग आ रहा होता है। दूसरी तरफ उसका बात सुनकर एक बॉडीगार्ड जाकर एल्डर फैंग पर चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि। लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले एल्डर फैंग उसे एक झापड़ लगाते हुए कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन एल्डर फैंग के पीछे में वांग को देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि लगता है उस बंदे का रिलेशन ऑक्सन हाउस के साथ है, लगता है कि इस बार होलीसन सच में बहुत ही बड़े मुसीबत में पड़ गया है, अब तो होली मास्टर भी उसे बचा नहीं पाएंगे। वहीं पर वांग जाकर फैंग का हालत देखने लगा होता है और उसका असली चेहरा देखकर पूछता है तो क्या ही आपका असली रूप है, और उसका चोट के बारे में पूछता है। फैंग उससे कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, ये बोलकर वो खुद को हील करने लगता है। उसका अर्थ ग्रेड का फार्मासिस्ट वाला बात जानकर एल्डर फैंग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। वहीं पर वांग को फैंग के कमर में लटका हुआ वो वाला जेड पेंडेंट दिखता है जो कि उसके फादर दिए होते हैं। वो देखकर वांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये तो सिर्फ फैंग फैमिली का कोर डिसाइबल के पास होता है ना। दूसरी तरफ होलीसन गड्ढे में से बाहर निकलते हुए चिल्ला रहा होता है कि मुझ पर अटैक करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये बोलकर वो अपने बॉडीगार्ड को एल्डर फैंग को खत्म करने के लिए बोलते हुए कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर एल्डर फैंग गुस्से में कहते हैं क्या तुम मुझे मारोगे। ये बोलकर वो उसे दो चार और झापड़ लगा देते हैं जिससे वो फिर से उसी गड्ढे में जाकर गिर जाता है। अब वो देखकर तो उसके गार्ड एल्डर फैंग से काफी ज्यादा माफी मांगने लगे होते हैं और भीख मांगते हुए कहने लगे होते हैं कि प्लीज उस पर दया दिखा दीजिए क्योंकि सन गॉड बॉडी काफी ज्यादा रेयर होता है। मैं आशा करता हूँ कि सीनियर इस पर माफ कर देंगे, मैं होली मास्टर से बोलकर उसे पनिशमेंट दिलवा दूंगा। ये सुनकर एल्डर फैंग उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वांग फैंग से पूछ रहा होता है कि आप बेमंग कब जा रहे हैं। फैंग कहता है कि मैंने होली सन को ऑफेंड कर दिया है इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर रहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं अभी जाने के बारे में सोच रहा हूँ। वांग उस जगह के बारे में जितना कुछ भी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया होता है वो सभी का सभी फैंग को दे देता है और वहां पर जाने का सबसे तेज रास्ता एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरिया के बारे में बताता है और उसे वहां पर लेकर चला भी जाता है। फैंग उतना बड़ा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को देखकर थोड़ा सा दंग रह जाता है और वहां पर जाने का भाड़ा 230,000 क्रिस्टल होता है जिससे फैंग को और बड़ा झटका लग जाता है, लेकिन उसे जाना तो होता ही है इसलिए देकर जाने लगता है। इसके बाद अगले समय वांग जाकर एल्डर फैंग से बातें कर रहा होता है जहां पर वो उससे पूछता है तो ये छुमे बंदे कहां से आया है। वांग बताते हैं कि उसके बातों के अकॉर्डिंग वो जिन डायनेस्टी से आया है। ये सुनकर एल्डर फैंग कहते हैं कि जिन डायनेस्टी से आया है तो मुझे नहीं लगता कि वो फैंग फैमिली से होगा। तभी वांग कहता है लेकिन मुझे उसका कमर में बंधा हुआ एक ऑर्नामेंट दिखा था जो कि सिल्वर मून जेड जैसा लग रहा था। अब ये सुनकर तो एल्डर फैंग काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि वो जेड तो सिर्फ और सिर्फ फैंग फैमिली का कोर डिसिपल के पास होता है, वो कहां पर है मुझे जल्दी से लेकर चलो। लेकिन वांग उसे निराश करते हुए कहते हैं कि अब तक तो वो बेमंग के लिए निकल गया होगा। इसके बाद उस टेलीपोर्टेशन एरो को दिखाते हैं जहां पर सिर्फ से फैंग जा रहा होता है और अपने आसपास के लोगों को देखकर फैंग सोचता है कि यहां पर मौजूद सभी के सभी लोग मुझसे काफी ताकतवर है। इसके 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग अभी भी जा रहे होते हैं और फैंग उस जगह के बारे में पढ़ने लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि बेमंग डोमेन जो कि पॉइजन डोमेन के नाम से भी जाना जाता था वो जगह पहले पॉइजन मास्टर का जगह हुआ करता था जिससे सभी लोग काफी ज्यादा डरते थे, लेकिन वो एक ही दिन में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जिसमें सिर्फ कुछ ही मेंबर सर्वाइव कर पाए थे, लेकिन बचे हुए लोगों को भी हैंड डाउन किया गया था। जो फोर्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था वो खुद को लाइट अलायंस कहते थे और तभी से लाइट अलायंस बेमंग डोमेन को टेक ओवर कर लिया है। हालांकि वो जगह काफी ज्यादा पॉइजनस है, पूरे डोमेन में पॉइजन फैला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ट्रेजर शॉपिंग मॉल वहीं पर है। लेजेंड ये कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में वहां पर एक पीयरलेस वॉर हुआ था जिससे वहां पर लाशों का पहाड़ बन गया था और वो लोग अपने पीछे काफी सारे ट्रेजर को छोड़कर गए थे, और क्योंकि पूरे एरिया में पॉइजन फैला हुआ है इसलिए फार्मासिस्ट का आइडेंटिटी वहां पर काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। फैंग वहां का इन्फॉर्मेशन पढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक वो सिर्फ एक तूफान में फंस जाता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगे होते हैं कि अब उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी शिप का कैप्टन कहता है कि पैनिक करना बंद करो और मेरा ऑर्डर को सुनो, तुम लोग शिप को एनर्जी से कवर करो और मैं रफ्तार बढ़ाता हूँ। ये बोलकर वो अपने काम पर लग जाता है। वहीं पर सभी लोग अपना पावर का यूज करके उसे प्रोटेक्ट करने लगे होते हैं और फैंग भी हेल्प करने के लिए अपने एक स्पेशल तरह का क्रिस्टल को निकालता है, लेकिन उस क्रिस्टल पर एक बंदे की नजर चली जाती है। इसके बाद वो सभी लोग अपना पावर का यूज करके शिप का बचाव करने लगे होते हैं, लेकिन वो तूफान इतना ज्यादा तेज होता है कि उनका प्रोटेक्शन भी टूटने लगा होता है जिससे वो लोग फिर से पैनिक करने लगे होते हैं। लेकिन कैप्टन फिर से उन्हें पैनिक ना करने के लिए बोलकर फोकस करने के लिए कहता है, इसीलिए सभी लोग फोकस करते हैं और वो सभी लोग आराम से उस तूफान से निकल जाते हैं जिससे वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी वही बंदे को दिखाते हैं जो कि फैंग को देखकर कहता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छा अच्छा चीज लग रही है। उसका लालची भरा चेहरा देखकर फैंग उससे पूछता है आखिर आपका मतलब क्या है, लेकिन अचानक वो बंदा फैंग पर हमला कर देता है जिससे फैंग खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है
क्योंकि वो बंदे उस पर अटैक करके फैंग को शिप से बाहर करते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरे बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा, जिससे फैंग शिप से बाहर फेंका जाता है और वो एंडलेस वॉइड में चला जाता है और वहाँ का तूफान से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जिससे देखकर उसका ड्रैगन का बच्चा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है, जिससे वो मरने भी लगा होता है, जिससे उसका ड्रैगन का बच्चा और ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है। और इसी बार ज़्यादा जख्मी होने देने से पहले ही उसका ड्रैगन का बच्चा जल्दी से फैंग को अपने पावर का यूज करके उस वॉइड से बाहर निकाल देता है। इसके एक दिन के बाद एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग घोड़ा गाड़ी से रेगिस्तान को पार कर रहे होते हैं। उन्हीं गाड़ी में से एक में फैंग भी होता है जो कि काफ़ी टाइम के बाद होश में आकर इधर उधर देखने लगा होता है कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है, और अपना रिंग चेक करने पर उससे पता चलता है कि उसका सभी का सभी चीज़ें वहीं पर है और कुछ भी चीज़ें गायब नहीं है। तभी उसका हाथ में दर्द होने लगता है जो देखकर फैंग समझ जाता है कि चोट इतना ज़्यादा गहरा था कि मेडिकल बुक भी उसे जल्दी से हील नहीं कर पाया है और वो जल्दी से किवा को खाकर खुद को हील कर लेता है। लेकिन तभी खिड़की में से एक बंदा देखते हुए पूछता है क्या तुम जाग गए। उसे देखकर फैंग थोड़ा सा चौंक कर पूछता है कि तुम कौन हो। वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम हेजियान है और वो मर्सनरी ग्रुप का हेड है और फैंग उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था इसलिए वो उसे बचा लिया है। फैंग उसे थैंक्स बोलकर उसे अपना नाम बता देता है और बताकर उससे उस जगह के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग सेक्रेट मेडिकल डोमेन में जा रहे हैं। तभी वो लोग कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और अपने यंग मिस को दूसरे कैरेज में शिफ्ट करने लगते हैं, जिसका खूबसूरती को देखकर फैंग एक पल के लिए देखते ही रह जाता है। वो देखकर उसकी मेट चिल्लाने लगी होती कि आखिर तुम देख कहाँ पे रहे हो। तभी हेजियान उसे बताते हैं कि फैंग ही वो बंदा है जिसका जान वो लोग बचाए होते हैं, जिसके लिए फैंग उन्हें थैंक्स कहता है। उसकी मेट फैंग से काफ़ी ज़्यादा रूट होती है इसलिए यूनिंग नाम की लेडी उसे इज्जत से पेश आने के लिए कहती है। तभी हेजियान सबसे कहते हैं कि वांगविंग सिटी पहुँचने में अभी 2 दिन और लग सकता है, इसीलिए सभी लोग अपना अपना ख्याल रखना क्योंकि आगे रास्ते में चोर हो सकते हैं। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगे होते हैं जहां पर फैंग को एक बंदा दिखाई देता है। वो देखकर फैंग उसे बता देता है। उसे देखकर जियान घबराते हुए कहते हैं कि वो बंदा हेवाव है और वो इस इलाके का अकेला रोबर है और उसके बारे में रूमर्स ये भी कहते हैं कि वो डिवाइन के फर्स्ट रिले में पहुंच गया है और वो कभी भी सेकंड रिले में पहुंच सकता है और उसका हॉबी सभी तरह की लड़कियां होती है। उतना बताकर वो सभी लोगों को खुद को बचाव करने के लिए कहता है। तभी हेवाव नीचे आकर उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग तो मेरा रूल जानते ही हो, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं। जियान आगे बढ़कर उसे कुछ क्रिस्टल देते हुए कहते हैं कि मुझे पता है लेकिन इस बार मैं सिर्फ कुछ सामान को डिलीवर कर रहा हूं, कोई लड़की को डिलीवर नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं स्पेशली आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा हूँ। लेकिन वहीं पर वो उसकी बातों पर यकीन ना करके कहता है कि मैं लड़कियों के सेंट को अच्छे से पहचान सकता हूँ। ये बोलकर वो चेक करने के लिए कहता है लेकिन जियान उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि कैरेज में एक पेशेंट है इसलिए उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। लेकिन वहीं पर वो उसका कोई भी बात ना मानकर अपना प्रेशर का यूज करता है जिससे कोई भी हिल नहीं पाता है और वो उस कैरेज पर अटैक करके उसे तोड़ देता है और लस्ट भरी नजरों से उनकी तरफ बढ़ने लगा होता है। तभी फैंग कहता है कि तुम्हारे जैसा सेमलेस और डिस्पैचेबल बंदे से मिला काफ़ी टाइम हो गया है। वो देखकर जियान काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए फैंग को रोकते हुए कहने की कोशिश करता है कि वहाँ पर मत जाओ क्योंकि तुम उसका अपोनेंट नहीं हो। और फैंग को अपने तरफ बढ़ता देखकर यूनिंग भी उससे कहने की कोशिश करती है कि यंग मास्टर हाउ रैशली एक्ट मत कीजिए, पहले अपना सेफ्टी का ख्याल रखिए। लेकिन वहीं पर फैंग किसी की भी बात ना मानकर अपने क्लिम वाला आर्मों को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि जब तक मेरा मूड अच्छा है तुम यहाँ से निकल जाओ। उसका वैसा हाथ देखकर वो रोवर उससे पूछता आखिर कौन हो तुम, अगर तुम्हें ये दोनों पसंद आ गई है तो तुम पहले इनका टेस्ट कर सकते हो। लेकिन फैंग उसका कोई भी जवाब ना देकर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। उसे काउंटर अटैक करने के लिए वो रोबर भी अपने स्किल का यूज करके रेत का एक बहुत ही बड़ा हाथ बनाकर उसे रोकने जाता है लेकिन फैंग काफ़ी आसानी से उसका हाथ को डिस्ट्रॉय करके उसे चोट पहुंचा देता है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछने लगा होता है कि आखिर कौन हो तुम। लेकिन फैंग अभी भी बोल रहा होता है कि तुम जानना डिजर्व नहीं करते हो। ये बोलकर वो फिर से अटैक करने जाता है लेकिन तब तक वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। वो देखकर वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए फैंग का थैंक्स करने लगते हैं। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पहुँचने वाले होते हैं और जियान फैंग से पूछते हैं कि मिस यूनिंग के बारे में क्या सोचते हैं। फैंग कहते हैं वो काफ़ी खूबसूरत और काइंड हार्टेड है। जियान कहते हैं कि आपको भी वैसा ही लगता है लेकिन कितनी दुख की बात है कि उसके जैसे काइंड हार्टेड पर्सन एक कमीने से शादी करने जा रही है। ये सुनकर फैंग को उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है और वो पूछने लगता है। जियान उसे बताना स्टार्ट करते हैं कि वो कमीना वांगविंग सिटी का फार्मासिस्ट गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन झाओ लियांग है। अपने ग्रैंडफादर पर डिपेंड होकर वो लोगों को बुली करते रहता है और यूनिंग के फादर को फोर्स कर रहा है उसकी बेटी से शादी करने के लिए। हालांकि यूनिंग के फादर इससे मना कर दिए हैं लेकिन यू फैमिली के एल्डर फार्मासिस्ट गिल्ड के साथ एक अच्छा कनेक्शन चाहते हैं इसलिए वो लोग मिस यूनिंग को सेक्रीफाई कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर फैंग को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब जबकि दूसरा पार्टी फार्मासिस्ट है तो मैं शायद इसके लिए कुछ कर सकता हूँ।
इसीलिए जब वो लोग सिटी में पहुंच जाते हैं तो फैंग वहां का फार्मासिस्ट गिल की तरफ चला जाता है कुछ हेल्प मांगने के लिए। दूसरी तरफ झाओ फैमिली यू फैमिली के घर में पहुंच गया होता है, जिन्हें देखकर यूनिंग को सेक्रीफाई करने वाले एल्डर आकर उनका स्वागत करने लगे होते हैं। वहीं पर अंदर में यूनिंग की मेड उससे कह रही होती है कि अब भागने के बाद वापस क्यों आ गए हैं, लेकिन वो कहते हैं भागने से कुछ भी नहीं होगा। वहीं पर फैमिली के एल्डर उसके फादर को फोर्स कर रहे होते हैं कि आखिर वो अपनी बेटी को क्यों बुला नहीं रहा है। उसके फादर यू सांग कहते हैं कि मैं फैमिली के लिए अपनी बेटी को बेचूंगा नहीं। ये सुनकर उसके एल्डर उसे पैट्रेज वाले पोजीशन से हटाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए यू सांग मान जाता है। लेकिन तभी वो लोग यू सांग को पकड़कर यूनिंग को जबरदस्ती लेकर जाने की बातें कहने लगे होते हैं। वहीं पर यू फैमिली के हाउस को दिखाते हैं जहां पर काफी सारे गेस्ट आ गए होते हैं और ब्राइट को उतना ज्यादा खूबसूरत देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और वहीं पर उसे देखकर झाओ के मुंह से लार टपक रहा होता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा होता है। लेकिन तभी वहां पर फैंग आकर कहता है कि अगर तुम उसे छूने की भी हिम्मत करोगे तो तुम मारे जाओगे। फैंग को देखकर झाओ चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ में यू फैमिली के एक एल्डर भी चिल्लाने लगा होता है कि आखिर कौन हो तुम और यहाँ पर परेशानी खड़ी करने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है। फैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरा नाम जानना डिजर्व नहीं करते हो। तभी वहां पर सिटी का फार्मासिस्ट गिल्ड का प्रेसिडेंट आकर कहता है कि फैंग अब हमारे गिल्ड का एक ऑनर गेस्ट है। प्रेसिडेंट को वहां पर देखकर झाओ फैमिली वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम लोग तो हमें कहीं कभी नहीं छोड़ते। ये बोलकर वो यूनिंग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मेरे ही गलत मैनेजमेंट के कारण ये लोग आपको हार्म करने की हिम्मत किए हैं। वहीं पर प्रेसिडेंट को माफी मांगता देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं और झाओ लोग भी उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगे होते हैं। लेकिन वो उन्हें पनिशमेंट के लिए भेजवा देता है। उन्हें भेजवाने के बाद वो फैंग से पूछते हैं कि आप इस एक्शन से सेटिस्फाई तो है ना। फैंग हाँ में जवाब देकर उन्हें थैंक्स कहता है। वहीं पर प्रेसिडेंट को फैंग को मास्टर बोलता सुनकर उसकी मेट काफी ज्यादा हैरानी से पूछती है कि आखिर तुम्हारा लेवल क्या है। फैंग कहता है ज्यादा नहीं सिर्फ अर्थ के पीक लेवल पर हूँ। ये बोलकर वो यूनिंग को उसका जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। यूनिंग कहती है कि अर्थ लेवल वाले फार्मासिस्ट को जान बचाना तो मेरा ब्लेसिंग था, अब जबकि आपने मुझे फिर से बचा लिया है तो पता नहीं मैं इसे रिपे कैसे करूंगी। तभी प्रेसिडेंट उसे देखकर कहता है कि मिस यूनिंग मेडिकल प्रॉपर्टी से सराउंडेड है। ये बोलकर वो उससे पूछ लेता है कि क्या आप भी एक फार्मासिस्ट है। उसका जवाब में यूनिंग कहते हैं कि नहीं वो फार्मासिस्ट नहीं है। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपका फिजिक काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे हिसाब से आप आराम से येलो लेवल का मेडिकल बुक को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बोलकर वो फैंग से बोलकर उसे सिटी का सेक्रेट मेडिकल सिटी में लेकर जाने के लिए कहता है। ये बोलने के बाद वो तीनों वहां के लिए निकल गए होते हैं और इसके 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस सिटी के बारे में बताया जाता है कि ये सिटी एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करते आया है और ऐसा कहा जाता है कि ये फार्मासिस्ट का बर्थ प्लेस है। लेजेंड के अनुसार गॉड ऑफ वॉइड पहला मेडिकल बुक को यहाँ पर क्रिएट किया था और वही सबसे हाई लेवल का मेडिकल बुक अभी तक है। तभी उन लोगों को दिखाते हैं जहां पर वो लोग सिटी में पहुंच गए होते हैं और फैंग उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई डिवाइन लेवल का फार्मासिस्ट है। प्रेसिडेंट कहता है कि डिवाइन लेवल का फार्मासिस्ट होली लैंड के एल्डर हैं और वो लोग ज्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ होली लैंड में सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन में रहते हैं। और इस सिटी में अगर तुम अर्थ लेवल का फार्मासिस्ट नहीं हो तो तुम खुद को फार्मासिस्ट नहीं बुला सकते हो। और काफी ज्यादा रात हो जाने के कारण वो लोग एक होटल रूम को बुक करके रेस्ट करने लगते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहां पर वो आसपास का मेडिकल ऑरा को ऑब्जर्व करते हुए सोच रहा होता है कि प्रेसिडेंट बोले थे कि एंशिएंट सिटी सभी तरह के मेडिकल प्रॉपर्टी से भरा हुआ है और यहां पर फार्मासिस्ट अपने यूज के लिए उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो लगता है कि ये सभी बातें सच है। कहीं इसका मतलब मेरा डिवाइन लेवल का मेडिकल बुक भी यहीं से तो नहीं आया है ना। हालांकि यहाँ का ऑरा काफी ज्यादा कमजोर है लेकिन जितना भी मेडिकल प्रॉपर्टी उसमें रिकॉर्डेड है वो सभी के सभी यहाँ पर मौजूद है। ये सब सोचकर वो उन्हें ऑब्जर्व करके हेवन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोच लेता है और सोचकर ऑब्जर्व करने लगा होता है, जिससे फैंग को एक अजीब तरह का फिगर जैसा कुछ दिखाई देता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या है, इसलिए वो इस पर से अपना ध्यान हटाकर ऑब्जर्व करना जारी रखता है, जिससे आसपास में जितने भी मेडिकल ऑरा मौजूद होता है वो सबके सब उसके पास जाने लगे होते हैं, जो देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी एक फार्मासिस्ट हैरानी से कहता है कि एंशिएंट सिटी का सभी मेडिकल प्रॉपर्टी को सिर्फ एक ही पर्सन पूरी तरह से ऑब्जर्व कर सकता है और वो ये है जिसके पास डिवाइन मेडिकल बुक होगा। ये सुनकर दूसरा बंदा जल्दी से होली लैंड को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग यूनिंग को टेस्ट करने के लिए लेकर गए होते हैं कि वो फार्मासिस्ट बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है। इसलिए जब उसका टेस्ट किया जाता है तो उसका लेवल को देखकर वो लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और जल्दी से उसका बचाव करने के लिए कहने लगे होते हैं। वो देखकर फैंग कहता है कि वो तो सच में डिवाइन फार्मासिस्ट हैं, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। प्रेसिडेंट बताता है कि उनका ड्यूटी डिवाइन फार्मासिस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इस एंशिएंट सिटी में एक हिडन असैसिन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेवनली फार्मासिस्ट पर अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तभी फैंग की नजर एक बंदे पर चली जाती
आती है जो कि सांस नहीं ले रहा होता है। वो देखकर फैंग समझ जाता है कि वो भी 13 के जैसा ही किलर डॉल है। ये जानकर वो जल्दी से उन्हें वार्न करके उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो खुद ही पिट जाता है। और उसे पिटने के बाद वो लोग यूनिंग पर हमला करने के लिए जाते हैं, जिससे बाकी के दो लोग उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस डॉल का पावर उनसे ज्यादा होता है। तभी एक और डॉल अटैक करने के लिए आने लगता है। वो देखकर इस बार सभी लोग मिलकर दूसरे वाले से फाइट करने लगते हैं और एक का काम तमाम कर देते हैं। वो सब देखकर फैंग पूछते हैं कि आखिर किसके पास इतना ज्यादा हिम्मत है कि वो असासिन भिजवाकर फार्मेसी स्ट्रीट को मरवा रहा है। प्रेसिडेंट जियान बताते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा असासिन ऑर्गेनाइजेशन हेल, लगभग 300 साल पहले वो हेलिस ऑर्गेनाइजेशन अपना पहला मूव चला था और वो हमारे काफ़ी सारे फार्मासिस्ट के सीट को ख़त्म कर दिया था, जिसके कारण होली लैंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो पूरा कॉन्टिनेंट वाइड रिसर्च को लॉन्च कर दिया था, लेकिन हेल को कोई भी ट्रेसेस नहीं मिला था। फैंग पूछते आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और पहले नंबर पर असासिन का ग्रुप कौन सा है। वो बताता है मुझे नहीं पता, और दूसरे नंबर पर गॉड किलर नाम का असासिन ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं पर वो लोग उन दोनों किलर डॉल से फाइट कर रहे होते हैं और उनका वो लोग निपट लेते हैं। और तभी वहाँ पर एंशिएंट सिटी का फार्मासिस्ट गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट आकर उन्हें सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट करने के लिए बोलता है, और फैंग और प्रेसिडेंट जियान को एक डिवाइन फार्मासिस्ट को लाने के लिए और उनका कॉन्स्पिरेसी पकड़ने के लिए उसे थैंक्स कहता है और उन दोनों को वहीं पर कुछ दिन रहने के लिए पूछता है। लेकिन फैंग मना करते हुए कहते हैं कि मुझे दूसरों का ज़्यादा कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है और मेरे पास ज़्यादा एम्बिशन भी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ माफ़ी ही मांग सकता हूँ। इतना बोलकर वो उनका निराश चेहरा देखकर कहता है कि लेकिन मेरा बॉडी में हिडन डिजीज है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट कहता है अफकोर्स हमारा यही तो काम है। ये बोलकर वो उसका चेकअप करने जाता है, लेकिन उसका अर्थ ग्रेड का पीक लेवल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर उसके मुँह से वो सुनकर बाकी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना यंग कुछ ही हाई लेवल का फार्मासिस्ट हमारे सीक्रेट मेडिसिन के होली लैंड में है। तभी वाइस प्रेसिडेंट फैंग से कहते हैं कि तुम्हारे इलनेस को ठीक करने के लिए एक डिवाइन ग्रेड का फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप भी हमारे साथ होली लैंड क्यों नहीं चलते हैं। जिसके लिए फैंग मान जाता है और वो लोग टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करके होली लैंड पहुंच जाते हैं, जो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसे देखकर वो लोग देखते ही रह जाते हैं। वो सब देखकर फैंग भी कहते हैं कि सिर्फ इसी जगह पर हजारों में मेडिकल हर्ब है और कुछ तो काफी ज्यादा रेयर भी है जो कि 93 कॉन्टिनेंट से गायब भी हो गए हैं। तभी उनके श्राइन को दिखा जो कि दो माउंटेन के बीच में होता है, वो लोग वहां पर जाते हैं और यूनिंग का फार्माकोपी एक्टिवेशन सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है और वो 17 मिनट में उसे एक्टिवेट कर लेती है, जिससे देखकर एक एल्डर कहते हैं कि अगर मुझे सही से याद है तो हाईएस्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री में 18 मिनट का ही है। फैंग उसे एक रिकॉर्ड ब्रोक करने के लिए कांग्रेचुलेशन करता है। तभी 6 एल्डर यूनिंग से कहते हैं कि तुम्हारे पोटेंशियल के दम पर तुम जरूर फार्मासिस्ट के लीडर बन सकती हो, जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उनका वैसा एक्सप्रेशन देखकर फैंग पूछते हैं कि आखिर इसमें इतना ज्यादा शॉक होने वाली कौन सी बात है। उसे देखकर 6 एल्डर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वाइस प्रेसिडेंट उसे उसके बारे में बता देता है और बताते हुए कहते हैं कि वो यहाँ पर अपने इलनेस को ट्रीट करवाने के लिए आया है, जो सुनकर 6 एल्डर कहते हैं कि ये तो स्मॉल मैटर है। ये बोलकर वो उसे होली मेडिकल टेम्पल लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि उसका बॉडी में बेस्ट मेडिकल प्रॉपर्टी है। ये जानकर वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम होली लैंड का एक वर्शिपिंग एल्डर बनना चाहते हो। उसके जवाब में फैंग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे दूसरों के द्वारा ज़्यादा कंट्रोल होना पसंद नहीं है। वो कहते हैं आप इसको लेकर ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि वर्शिपिंग एल्डर बनने से आपके फ्रीडम को लिमिट नहीं किया जाएगा। कई सारे दूसरे जगह के हेवेनली फार्मासिस्ट भी वर्शिपिंग एल्डर बनकर होली लैंड का ब्लेसिंग को एंजॉय करते हैं, जिसके लिए अब फैंग मान जाता है। इसलिए वो उसे एक आइडेंटिटी कार्ड देता है, जिसमें उसका खून का एक बूंद डालने पर वो उसका हो जाएगा और उसके अलावा अगर उसे कोई और छूने की कोशिश करेगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। तभी वहां पर सुप्रीम एल्डर आकर कहते हैं कि यूनियन के पास इनेट मेडिकल बॉडी है, अगर हम उसे अच्छी तरह से पॉलिश करेंगे तो वो आराम से फ्यूचर में हेवन लेवल में पहुंचकर सुप्रीम एल्डर बन सकती है। और फैंग को देखकर पूछते हैं कि तुम्हारे बॉडी में कौन से लेवल का मेडिकल बुक है। फैंग कहते हैं कि मेरे हिसाब से वो हेवन लेवल का होगा, जो सुनकर सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि वो हेवन लेवल का ही लग रहा है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि आखिर मैं उसका रियलिटी को सी थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा हूं, कहीं उसका मेडिकल बुक टॉप ग्रेड का या फिर उससे भी हाई लेवल का तो नहीं है ना, कहीं इसका मतलब पिछली रात को एंशिएंट सिटी में जो सभी मेडिकल ऑरा को ऑब्जर्व किया था ये वही तो नहीं है ना। ये सोचकर वो उससे पूछ लेता है कि वो एंशिएंट सिटी कब आया था। उसका जवाब में फैंग उससे कहता है कि वो कल आया था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हैरानी से सोचने लगा होता है कि कहीं इसका मतलब ये यंग मैन ही इस जनरेशन का वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है ना, और यही वो बंदा है जो कि डिवाइन मेडिकल बुक को भी होल्ड कर रहा है। ये सोचकर वो फैंग को किसी जगह पर लेकर जाने की बात करके उसे वहां पर लेकर जाने लगता है। फैंग उसके साथ जाते हुए सोच रहा होता है कि कहीं यही वो तो जगह नहीं है ना जहां पर गॉड ऑफ वर्ड सबसे पहले डिवाइन लेवल का मेडिकल बुक को क्रिएट किया था। तभी सुप्रीम एल्डर फैंग को दो और एल्डर के पास लेकर चला जाता है और उससे कहते हैं कि अगर वो यहां पर रहना चाहता है तो वो कितना भी टाइम रह सकता है। वो सब सुनकर फैंग सोचता है कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया है ना कि मैं वर्चुअल
मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे अभी तो बहुत सारा काम है। ये सोचकर वो उन्हें पोलाइटली मना करते हुए कहता है मुझे अभी बहुत काम है। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर फेंग को आसपास का जगह देखने के लिए बोल देता है और खुद ही उन दोनों के साथ बैठकर बातें करने लगा होता है और पूछते हैं कि तुम लोगों को कितना लगता है कि वो इस जनरेशन के वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट हैं। वो दोनों कहते हैं 100%, लेकिन हम ये पता नहीं कर पा रहे कि उसके बॉडी में सच में डिवाइन लेवल का मेडिकल बुक है या फिर नहीं है। दूसरा कहता है अगर उसके पास वो डिवाइन लेवल का मेडिकल बुक होगा तो वो हमारा होली लैंड का होली लॉर्ड बन जाएगा, लेकिन लगता है कि वो अपना आइडेंटिटी को रिवील करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। सुप्रीम एल्डर कहते हैं तो ठीक है चलो उसे डिफेंड करते हैं। ये बोलकर वो लोग फिर से फेंग के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम सच में यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकना नहीं चाहते हो। फेंग कहता है मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मुझे जल्दी वेमिंग पहुंचना है। वहां जाने की बातें सुनकर वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें वहां पर जाने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हम लोग इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं और हाफ मंथ में हम लोग तुम्हारे उस विश को पूरा कर देंगे। फेंग उनके कंसर्न के लिए उसे थैंक्स बोलकर कहता है लेकिन कुछ ऐसा चीज है जिसे कि मुझे अपने हाथों से लेना है। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर कहते हैं अब जबकि बात यह है तो हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। ये बोलकर वो फेंग को एक जगह दिखाने के लिए लेकर चला जाता है जहां पर एक पोंड में काफी सारे मेडिसिनल हर्ब को ग्रो किए गए होते हैं, जिससे देखकर फेंग थोड़ा सा चौंक गया होता है। वो देखकर एल्डर उसे बताते हैं कि ये उनका मेडिसिनल कलेक्शन है जो कि कई हजारों में है। तभी फेंग की नजर एक मेडिसिनल हर्ब पर चली जाती है जिससे देखकर वो उसके बारे में पूछ लेता है और पूछकर सोचते हैं कि काफी अजीब बात है, उसके बारे में तो डिवाइन मेडिकल बुक में कुछ लिखा ही नहीं है। सुप्रीम एल्डर उसे बताते हैं कि वो बस एक आम ऑर्किड है और वहीं पर गॉड ऑफ वर्ड सबसे पहले मेडिकल बुक को बनाया था और वो कुछ ऑर्किड है जो कि ओरिजिनली डिवाइन मेडिकल बुक के द्वारा इन्फेक्ट हो गए थे जिससे वो ऐसा बन गया है जो कि आज वो है। एक बार कोई एक ऑर्किड को तोड़ा था लेकिन तोड़ने के बाद ही वो आम ऑर्किड बन गया था और तभी से होली लैंड एक पॉन्ड बनाकर उन्हें होली लैंड को सूखने से रोकता है। उसे वो सब बताकर एक एल्डर उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हें पता है कि क्यों हमारे होली लैंड में होली लॉर्ड नहीं है। फैंग कहता मुझे नहीं पता। सुप्रीम एल्डर बताते हैं कि हमारा होली लैंड का सिज अपने इनहेरिटेंस को पास डाउन करते रहते हैं और सिर्फ डिवाइन मेडिकल बुक का ऑनर ही होली लैंड का मास्टर बन सकता है। डिवाइन मेडिकल बुक के बारे में सुनकर फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पर उसका वैसा रिएक्शन देखकर एल्डर उससे खुश होकर कहते हैं हाँ वो पहला मेडिकल बुक था जिसके गॉड ऑफ वॉर क्रिएट किए थे और पूरे दुनिया में वही अकेला डिवाइन लेवल का मेडिकल बुक है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि हमारे मेडिकल श्राइन स्क्रिप्चर को रिकॉग्नाइज करता है लोगों को नहीं, अगर तुम डिवाइन मेडिकल बुक का ओनर हो तो तुम होली लैंड का होली मास्टर बन सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ओरिजिन क्या है। उनकी बातें सुनकर फेंग काफी ज्यादा मुश्किल से अपने खुशी को कंट्रोल करके सोचता है कि अगर मैं एडमिट कर देता हूँ कि मैं उसका ओनर हूँ तो मैं उनका होली लॉर्ड बन जाऊंगा, लेकिन ये लोग अपने होली मास्टर को कोई भी रिस्क नहीं लेने देंगे, अगर मैं एडमिट कर लेता हूँ तो मैं बेमंग नहीं जा पाऊंगा। इतना सोचकर वो उनसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने होली लॉर्ड को जल्दी ढूंढ लेंगे, अब मेरा गुड बाय बोलने का वक्त आ गया है। ये सुनकर एक एल्डर चिल्लाते हुए कहने लगे होते हैं कि अगर तुम अभी भी छुपा क्यों रहे हो, लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले सुप्रीम एल्डर उसे रोक देते हैं और फेंग से कहते हैं कि अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो ठीक है हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। ये बोलकर वो फेंग को 1,00,000 मेडिकल हर्ब गिफ्ट के तौर पर दे देता है। दूसरा एल्डर कहते हैं कि बेमंग काफी ज्यादा चाओटिक जगह है इसलिए हमेशा अपना फार्मासिस्ट वाला ड्रेस को पहने रखना ताकि तुम्हें थोड़ा सा सेफ्टी मिलते रहेगा। फेंग उन्हें थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। इसके हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर फेंग बेमंग पहुंच गया होता है और एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना पीना कर रहा होता है। तभी कोई उससे पूछती है फार्मासिस्ट क्या तुम हमें ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। उस लड़की का आवाज सुनकर फेंग सोचते हैं वो आवाज जाना पहचाना लग रहा है, क्या वो मुझे बुला रही है। ये सोचकर वो उसके तरफ मुड़ता है जहाँ पर यान किंग होती है जो कि फेंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछने लगी होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और सिर्फ कुछ ही साल हम लोग नहीं मिले हैं और तुम ऑलरेडी हेवनली फार्मासिस्ट बन गए हो। फेंग कहते कि तुम भी तो डिवाइन के पीक लेवल में पहुंच गई हो। तभी वहां पर उसकी बहन आकर उससे पूछती है कि क्या तुम उसे एक्सप्लेन कर दिए हो। उसे देखकर किंग यान उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहते कि ये उसकी बहन शुयान है और वो उसका बॉयफ्रेंड है और वहां पर काफी सारे लोग होने के कारण वो लोग एक होटल बुक करके वहां पर डिस्कस करते हैं और फेंग से उसका वहां पर आने का रीजन पूछती है। फेंग बताता है कि वो यहाँ पर अपने एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। वो सुनकर यांग किंग उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि हमें एक फार्मासिस्ट की जरूरत है इसलिए क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे और हम यहाँ पर झांसियन के एंशिएंट टॉम में उसका इनहेरिटेंस को ढूंढने जा रहे हैं। वो सुनकर फेंग उनसे पूछता है कि सेंट झांसियन है कौन। उसका वो सवाल सुनकर यांग किंग काफी ज्यादा हैरानी से कहती है कि क्या तुम झांसियन के एंशिएंट टॉम के बारे में नहीं जानते हो। ये बोलकर वो उससे बताती है कि एंशिएंट टाइम में झांसियन सभी सेंट में सबसे ताकतवर था और झांसियन ही अकेला सेंट था जो कि ग्रेट एम्परर के अटैक से सर्वाइव कर गया था। इतना बोलकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा वो छोटा सा प्रॉब्लम झांसियन की इनहेरिटेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें बताओ हम उसे पूरा करने में तुम्हारा हेल्प करेंगे। वहीं पर उनकी बातें सुनकर फेंग सोच रहा होता है कि ग्रेट एम्परर के अटैक को सर्वाइव कर जाना इसका मतलब उसका मार्शल स्किल सच में हेवन लेवल से भी हाई रैंक का होगा। अगर मेरे पास
फ्रैंक का स्किल होता तो मैं उस बंदे से हारता नहीं और कब के यहाँ पर पहुँच चुका होता। तभी उसकी बहन उसे बताती है कि एक महीने के अंदर में झांतियन कुटुंब ओपन होगा। वो सुनकर फ्रैंक कहता है कि अब जबकि उसको ओपन होने में एक महीने का टाइम है तो पहले झांतियन कुटुंब में ही जाते हैं, मैं अपना छोटा सा प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देता हूँ। तभी यान किंग उसे उसके बारे में बताने लगी होती है कि झांतियन कुटुंब हर 12 साल में एक बार खुलता है और जब सूरज और चांद एक साथ चमकता है तो झांतियन कुटुंब 7 दिन के लिए खुला रहता है और सभी मेजर होली प्लेस के एलिट डिसाइपल वहाँ पर गैदर होते हैं, जिसमें सेक्रेट होली सन और डॉटर, हिडन फैमिली के एलिट डिसाइपल और कुछ फेमस लोग भी शामिल होते हैं। टोम्बे में एंटर करने के बाद वहाँ का पावर सप्रेशन के कारण सबका पावर एंसेस्टर लेवल तक सप्रेस हो जाता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्रेट एम्परर को छोड़कर जो भी उसमें एंटर करेगा सबका पावर सप्रेस कर दिया जाएगा। उनकी बातें सुनकर फ्रैंक सोचता है कि मेरा क्लीन आर्म प्योर पावर का यूज करता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसका पावर को सप्रेस होना चाहिए। वहीं पर वो अपने बात को जारी रखते हुए बताते हैं कि वो टोम एबिसिस ऑफ डेथ नाम की जगह के डेप्थ में लोकेटेड है जो कि पूरी तरह से पॉइजन से भरा हुआ है और बिना अर्थ ग्रेड का फार्मासिस्ट का गाइडेंस के वहाँ पर पहुँचना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम एक फार्मासिस्ट का इंतजार कर रहे थे। फ्रैंक कहते हैं कि अब जबकि तुम लोगों को फार्मासिस्ट मिल गया है तो अब हम जा सकते हैं ना, लेकिन वो एक कारण से मना कर देती है। और शू मना करते हुए कहते हैं कि सेलेस्टियल फेनोमेनम के अनुसार दोनों सूरज और चांद हाफ मंथ में एक साथ चमकेंगे। उसकी बातें सुनकर फ्रैंक थोड़ा सा हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनल को देख सकती हो। ये सुनकर उसकी बहन उसे बताते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गई हूँ कि ये श्यांग त्यांसी मास्टर है, जो सुनकर फ्रैंक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि श्यांग त्यांसी एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस प्रोफेशन होता है। वो लोग काफी सारे अनजान सेलेस्टियल फेनोमेनम को देख सकते हैं और फ्यूचर ट्रेंड को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ्रैंक उसके बारे में जानकर उससे पूछता है तो क्या इसका मतलब तुम ये प्रिडिक्ट कर सकती हो कि क्या फिर झांतियन का इनहेरिटेंस कौन लेकर जाएगा। शू यान बताते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही देख सकती हूँ कि कोई है जो कि उसे इनहेरिट कर लेगा, लेकिन मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाई हूँ, मैं तो ये भी श्योर नहीं हूँ कि वो लड़का है या फिर लड़की है। तभी यान किंग अपनी बहन से बोलकर फ्रैंक का फ्यूचर देखने के लिए कहती है, इसलिए वो फ्रैंक को अपनी स्पेशल तरह का बॉल को पकड़कर आंख बंद करने के लिए कहती है। फ्रैंक वैसे ही करता है और वो उसका फ्यूचर देखकर उससे कहती है कि इसका कोई फ्यूचर है ही नहीं, इसका फ्यूचर सेलेस्टियल फेनोमेनम में है ही नहीं, इसलिए मैं देख नहीं सकती हूँ। जो सुनकर वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तभी वो फ्रैंक से कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम जल्दी मरने वाले हो और इसका तुम्हारे बेमिंग आने से रिलेटेड है। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या फिर नहीं है। अपने बारे में वो सब सुनकर फ्रैंक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचते हैं कि श्यांग त्यांसी मास्टर से बिल्कुल यही उम्मीद था, उसका एबिलिटी तो सच में काफी ज्यादा कमाल का और हेवन का अगेंस्ट जाने वाला है। बेमिंग में एंटर करना इंडीड मौत को बुलावा देना है, लेकिन मेंगियर को बचाने के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। तभी यान किंग उससे उसका बेमिंग आने का कारण पूछती है। फ्रैंक उसका जवाब सीधा सीधा ना देकर कहते हैं कि बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर ये ज़्यादा खतरनाक होगा तो मैं नहीं जाऊँगा। उसकी बातें सुनकर यान किंग उससे कहती है कि अब जबकि हाफ मंथ का टाइम बच रहा है तो चलो चलकर शॉपिंग कर लेते हैं। ये बोलकर वो फ्रैंक से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इनफ क्रिस्टल तो लेकर आए हो ना। फ्रैंक उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि फेज स्टोन मास्टर के पास क्रिस्टल की कमी होगी। उसका फेज स्टोन मास्टर होने वाली बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगे होते हैं कि आखिर तुम किस तरह का आई टेक्निक को जानते हो। ये बोलकर यान किंग उसका आई टेक्निक का पावर को देखने के लिए उसे पकड़कर लेकर जाने लगती है। इसके बाद वो लोग ताओबाओ प्लाजा नाम की जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो लोग कुछ चीज़ें खरीद रहे होते हैं और फ्रैंक एक लकड़ी के टहनी को खरीदने के लिए बोल रहा होता है जिसका कीमत 340,000 क्रिस्टल होता है। वो सुनकर यान किंग उससे कहती है कि कहीं तुम्हारा आई टेक्निक फेक तो नहीं है ना, ये एक फालतू की लकड़ी है, आखिर तुम इसमें इतना पैसा क्यों लुटा रहे हो। फ्रैंक उससे कहता है कि ये लकड़ी का टहनी कोई आम टहनी नहीं है, ये एक रेयर ट्रेजर है जो कि एंशिएंट टाइम का है, जब मैं इसे ओपन करूंगा तब तुम इसे देखती ही रह जाओगी। लेकिन तभी उसका लिटिल बॉल उसके ड्रेस में से बाहर निकल जाता है और निकल कर एक दिशा में भागने लगा होता है, जो देखकर फ्रैंक थोड़ा सा चौंक जाता है और वो लोग भी उसके पीछे जाने लगे होते हैं। वहीं पर उसके लिटिल बॉल को दिखाते हैं जो कि एक दुकानदार के पास जाकर उसके सामान में से कुछ निकालने लगा होता है। वो देखकर फ्रैंक जल्दी से जाकर उसे रोकता है, लेकिन तब तक वो एक तरह का ड्रैगन जैसा दिखने वाला एक गोल्डन कलर का डिस्क को निकाल देता है। तभी दुकानदार जोर जोर से चिल्लाने लगा होता है कि इस चोर को पकड़ो, उसने मेरे इंस्टेंट ट्रेजर को चुरा लिया है। ये सुनकर फ्रैंक सोचने लगा होता है क्या ये एंसेंट ट्रेजर है। तभी वहां पर यान किंग आकर बॉल को पकड़कर कहने लगी होती है कि ये कितना क्यूट है। वहीं पर उसे देखकर शू यान सोच रही होती है कि आखिर ये किस बिस्ट का बच्चा है, मैं तो ये भी पता नहीं कर पा रही हूं। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नथिंगनेस है जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तभी फ्रैंक दुकानदार से कहता है कि जबकि मेरा पेट इसे ले लिया है तो मैं इसे खरीद लूंगा। दुकानदार उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरा एंसेंट ट्रेजर है जिसका कीमत 1,000,000 है। वो सुनकर फ्रैंक उससे बार्गेनिंग करने लगा होता है और कहने लगा होता है कि इसमें कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है और ये नकली भी लग रहा है।
है, इसलिए मैं तुम्हें इसका 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो दुकानदार उसे छीन कर फालतू का बहाना बनाकर उसे 5 लाख में बेचने के लिए कहता है और उनका कुछ देर का बहसा बहसी के बाद वो उसे 1 लाख में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले वहाँ पर बेदो होली लैंड का होली सन आकर 2 लाख ऑफर कर देता है। उस होली सन को देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। उनकी बातें सुनकर फैंग अपने दोस्तों से उस बेदो वाले होली सन के ओरिजिन के बारे में पूछता है। यानकिंग उसे बताते हैं कि मैंने सुना है कि वो पहले एक नॉर्मल बंदा हुआ करता था, लेकिन अचानक उसे किसी सेंट का इनहेरिटेंस मिल गया था जिससे वो सिर्फ 3 ही मूव में ओरिजिनल वाला होली सन को हरा कर बेदो का होली सन बन गया है। उसकी बातें सुनकर फैंग सोचता है कहीं इसका मतलब वो भी तो इसका पावर को देख नहीं लिया है ना, इसलिए इसे कम दाम में खरीदना चाहता है। ये सोचकर फैंग कहता है माफ करना, लेकिन मैं 2,10,000 देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि आखिर बेदो का होली सन के ऑफेंड करने का आखिर उसका हिम्मत कैसे हो गया, लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही दिनों तक जी लिया है। दूसरी तरफ उसके उस बर्ताव से होली सन के दोनों बॉडीगार्ड फैंग पर चिल्लाने लगे होते हैं और उसे जल्दी से माफी मांगने के लिए भी कहने लगे होते हैं। लेकिन तभी यानकिंग उस होली सन का मजाक उड़ा देती है जिससे वो होली सन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर वो अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि कोई और 10,000 ऐड कर दिया है और तुम उसे अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हो, कितनी शर्म की बात है। अब तो होली सन से रहा नहीं जाता है और वो अपने ऑरा का यूज करके उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका पावर काफी ज्यादा होता है इसलिए उसे काउंटर करने के लिए फैंग और यान दोनों अपना अपना पावर का यूज करने लगे होते हैं। वहीं पर यान का थंडर एटीट्यूड को देखकर होली सन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर फिजिक होता है। लेकिन वहीं पर वो अपने हैरानी को साइड करके उस पर अटैक करने के लिए जाता है। वो देखकर यान एक काफी ज्यादा पावरफुल थंडर ड्रैगन से हमला कर देती है जिससे काउंटर करने के लिए होली सन एक काफी बड़े स्पिरिचुअल हैंड से हमला कर देता है। लेकिन उनका अटैक का एक दूसरे से टकराने से पहले वहां पर एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल हाथ आकर उन दोनों के अटैक को न्यूलीफाई कर देता है जिससे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब आखिर कौन आ गया। वहीं पर ऊपर में दिखाते हैं जहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है जो कि आकर उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे बेमिंग होली लैंड को थोड़ा सा फेस दो। उसे देखकर फैंग सोचते हैं कि देखकर तो वो बंदा लाइट अलायंस से लग रहा है, वो अकेला बुढ़ा ही काफी ज्यादा ताकतवर है, तो लगता है कि लाइट अलायंस वाले सच में काफी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगा। वहीं पर होली सन को दिखाते हैं जो कि उन्हें धमकी देकर वहां से भाग जाता है। उससे जाता देखकर फैंग उस ड्रैगन वाले गोल्डन डिस्क को 2,10,000 में खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो लोग फिर से अपने होटल रूम में चले जाते हैं जहां पर फैंग उसे टहनी को टेबल पर रख दिया होता है, जिसे देखकर जान उससे कहते हैं कि अब तुम ये तो नहीं कहने वाले हो ना कि इसके अंदर से ट्रेजर निकलेगा। फैंग उससे कहता है कि तुम इसे खुद ही ओपन करके क्यों नहीं देख लेती हो। इसलिए जब वो उसे ओपन करती है तो उसके अंदर में से एक छोटा सा पौधा निकलता है जिसका नाम जानवो सीड होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और छू कहते हैं कि इसका वैल्यू तो एंशिएंट ट्रेजर को भी सरपास कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सीड को होली ग्राउंड में ही प्लांट करना होगा, अगर आम मिट्टी में प्लांट कर दिया जाएगा तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाएगा। वो सब सुनकर जानकिंग पूछती है तो क्या मेरा घर का होली लैंड का मिट्टी ठीक होगा। छू कहते नहीं क्योंकि लाइटनिंग डिस्ट्रक्टिव होता है इसलिए ये सीड वहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। उनकी बातें सुनकर फैंग सोचता है कि यान फैमिली एक होली लैंड को ओन करती है, इसका मतलब उसका फैमिली उतना सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये सोचकर वो उनसे पूछते हैं कि क्या सेक्रेट मेडिकल डोमेन का होली लैंड सुटेबल होगा। शिव कहते हैं हाँ वो जगह बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपने रूम में होता है और उस गोल्डन डिस्क को देखकर उससे पूछ रहा होता है कि अगर तुम इसे चुराए क्यों हो। वो फैंग का उंगली काट कर इशारा करके उसे उसका ब्लड का एक बूंद उस पर डालने के लिए कहता है, इसलिए फैंग वैसे ही करता है जिसमें से एक ड्रैगन निकलता है और वो काफी जोरदार रोर करता है। वो आवाज सुनकर वो दोनों बहनें जाग जाती है और शिव बताते हैं कि वो तो एक साइकिक ट्रेजर है, स्वॉलिंग ड्रैगन सील बोर्न हो गया है। उसकी बातें सुनकर यांगकिंग उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। वो बताती है मेरे साथ चलो फिर मैं दिखाती हूँ। ये बोलकर वो तीनों फैंग के रूम के बाहर जाते हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी को भी अंदर नहीं आने देने के लिए कहती है। ये बोलकर वो उसका दरवाजा खोलती है और अंदर का सीन देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं जहां पर अंदर में गोल्डन ड्रैगन होता है जो कि फैंग के चारों तरफ होता है। इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बाहर में काफी सारे लोग पहुंच गए होते हैं लेकिन वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहा होता है। अंदर में यान किंग अपनी बहन से पूछ रही होती है कि आखिर वो स्वॉलिंग ड्रैगन वाला सील क्या है और मैं उसके बारे में कुछ सुनी क्यों नहीं हूँ। शिव बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ यही जानना है कि वो ड्रैगन सील सिर्फ और सिर्फ फैंग आओ के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, बाहरी दुनिया में इसे मेंशन मत करना वरना उसका जान खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ फैंग उसे ऑब्जर्व करते हुए सोच रहा होता है कि जरूर ये वर्चुअल मार्शल आर्टिस्ट से रिलेटेड होगा नहीं तो लिटिल बॉल इसे लेता ही नहीं। वहीं पर शिव को दिखाते हैं जो कि उसे बताना स्टार्ट करती है कि उस गोल्डन डिस्क का नाम स्वॉलिंग द हेवन है क्योंकि वो किसी भी तरह की एनर्जी को स्वॉलो कर सकता है। जितना ज्यादा एनर्जी को स्वॉलो करेगा वो उतने ही ज्यादा ताकतवर बनते चला जाएगा।
जाएगा। वो सुनकर यांग किंग उससे पूछती है तो कहीं इसका मतलब वो एक इंपीरियल सोल्जर है। उसका जवाब में फैंग कहता है कि नहीं, मैं फील कर सकता हूँ कि ये नहीं है, सिर्फ मॉर्टल वॉरियर की स्ट्रेंथ है अभी इसके पास, लेकिन ये ग्रो हो सकता है जिससे शायद ये एक दिन इंपीरियल वॉरियर के लेवल में पहुंच जाएगा। तभी शू यांग किंग को वहां से बाहर लेकर जाते हुए कहती है कि बाद में तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या है, लेकिन हाँ किसी को भी इसके बारे में मत बताना। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहां पर वो उस गोल्डन डिस्क को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर तुम हो क्या, शायद जब तुम एक्सट्रीम लेवल में प्रमोट हो जाओगे तब शायद मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। ये सोचकर वो अपने वर्चुअल मार्शल स्पेस में डाल देता है जहां पर वो गोल्डन डिस्क उसका साइकिक सूट का ओरिजिनल पोजीशन को बदल देता है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो तीनों फैंग का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि आज ही वो लोग एबिसिस ऑफ डेथ में जाने वाले होते हैं। तभी कुछ देर के बाद फैंग वहां पर आकर देरी के लिए माफी मांगता है। उसे देखकर शिव अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि सिर्फ फैंग हाउ ही तुम्हारे डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। वो कहता हाँ मुझे पता है। इसके तीन दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग फोगी फॉरेस्ट के एज में पहुंच गए होते हैं और वहीं पर आग जलाकर बैठे होते हैं जहां पर फैंग कुछ मीट पकाकर उन्हें खाने के लिए देता है। वो खाकर यांग किंग कहती है कि तुम्हारा बारबेक्यू लेवल तो सच में बढ़ गया है। तभी फैंग उससे कुछ पूछने के लिए उसे साइड में लेकर जाता है और पूछते हैं कि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड एटीट्यूड का फिजिक है तो क्या इसका मतलब तुम्हारे पास स्टैंडर्ड एटीट्यूड वाला क्रिस्टल होगा। यांग किंग कहते हैं हाँ हमारे फैमिली के पास तो है लेकिन मैं उसे रिफाइन नहीं की हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचते हैं कि लगता है कि इसका फिजिक काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसलिए इसे ई क्रिस्टल की जरूरत भी नहीं है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मुझे वो थंडर एट्रीब्यूट वाले ई क्रिस्टल का जरूरत है और मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ ट्रेजर भी देने के लिए तैयार हूँ। यांग किंग उससे कहते हैं कि मैं उसे यूज नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आई हूँ और वैसे भी उस ई क्रिस्टल को कंट्रोल करने के लिए मेरी फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और फॉरेनर तो उसे बिल्कुल भी ले नहीं सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें वो सच में चाहिए तो मैं उसे तुम्हारे लिए चुराने की कोशिश कर सकती हूँ। फैंग उसके लिए उसे काफी ज्यादा थैंक्स कहता है। इसके बाद अगले सीन में दो अजीब लोगों को दिखाते हैं जो लोग कुछ प्लान बना रहे होते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड किसी तरह का प्लान बनाते हैं और किसी को भी अपने आप पर शक ना करने की बातें करते हैं। इसके बाद उसी फोगी फॉरेस्ट के ऊपर में दिखाते हैं जहां पर काफी सारे लोग पहुंच गए होते हैं और वो लोग अबिसिस ऑफ डेथ का नजर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ में फैंग लोगों को दिखाते हैं और वो लोग भी उसका अपियर होने का इंतजार कर रहे होते हैं और अपना बारबेक्यू खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक अजीब बंदा आकर काफी लालसा भरी नजरों से खाने को देखने लगा होता है। उसे कर फैंग उसे ट्राई करने के लिए देते हुए सोचता है कि ये बंदा सिंपल नहीं लग रहा है, जरूर कोई होली सन या कोई हिडन फैमिली का एलीट डिसाइपल होगा। वहीं पर वो ऑरेंज हेयर वाला बंदा खाते हुए फैंग का कुकिंग का तारीफ करता है और खाकर उसे थैंक्स बोलकर जाते हुए कहता है कि अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मैं जा रहा हूं। और जाते हुए अपना नाम शाय यानदोंग बताकर वहां से चला जाता है। उसका नाम सुनकर वो लोग उसके बारे में बातें करने लगे होते हैं कि शाय फैमिली के पास एक फायर एट्रीब्यूट वाला पर्सन है तो शायद ये वही पर्सन होगा। उसके बारे में बातें करने के बाद वो लोग उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर फैंग पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। यांग किंग उससे कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो लोग बिना फार्मासिस्ट के लीडरशिप के बिना एंटर कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जा सकते हैं। ये बोलकर वो लोग जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और तभी अबिसिस ऑफ डेथ अपियर होने लगा होता है जिससे उस जगह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉइजन निकलने लगा होता है जिसके कारण उसके आसपास के पेड़ पौधा मरने लगता है। वो देखकर फैंग उन्हें बताता है कि वो पॉइजन इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो एंसेस्टर लेवल वाले को भी इरोड कर देगा और कोई भी बिना फार्मासिस्ट के लीडरशिप के बिना एंटर कर ही नहीं पाएगा। अगर कोई बहुत बड़ा पावर एंटर करने की कोशिश भी करता है फिर भी वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। यांग किंग पूछते क्या होगा अगर किसी के पास कोई स्पेशल तरह का फिजिक हुआ तो। फैंग बताते हैं कि अगर उसके पास डिवाइन या फिर होली लेवल का पावर होगा तो शायद उसके पास जाने का कुछ चांस होगा। इतना बोलकर वो लोग उसमें एंटर करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां का पूरा वातावरण काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है और बर्फ की सीलियां बन जाती है जिससे सभी लोगों को काफी ज्यादा ठंड लगने लगी होती है और वो लोग जमने लगे होते हैं। तभी वहां पर एक आइस एट्रीब्यूट का डिवाइन बॉडी वाले एक बंदा आता है और उसी के कारण वहां पर उतना ज्यादा ठंड बढ़ गया होता है। वो किसी के साथ फाइट कर रहा होता है और दूसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि शाय यानदोंग होता है जिससे वो फाइट कर रहा होता है। उनका फाइट देखकर फैंग कहता है कि जरूर वो बंदा भी हिडन फैमिली से आया होगा। उसके दोस्त कहते हैं कि वो शायद लेंग फैमिली से बिलोंग करता होगा और उसका बॉडी में वो आइस एनर्जी नहीं है बल्कि उसका फिजिक एक स्पेशल तरह की एंशिएंट मिंग किंग बॉडी है। उनकी बातें सुनकर फैंग सोचता है कि उनके सामने तो मेरा क्लीन आर्मी कम्पीट नहीं कर पाएगा और उसके अलावा यहाँ पर काफी सारे होली वॉरियर भी है इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिप शांतिपूर्वक खत्म होगा। और तभी वहां पर बेदो का होली सन भी आ जाता है। वहीं पर ब्लू हेयर वाला बंदा यानदोंग से कहता है कि तुम उसे लेकर आ गए हो ना, चलो चुपचाप तुम मुझे उसे दे दो। यानदोंग उससे कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आ रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो खुद ही आकर मुझे छीन कर दिखाओ।
ये बोलकर वो दोनों अपने डिवाइन पावर का यूज करके फिर से एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उन दोनों की एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये जगह सिर्फ तुम दोनों का ही नहीं है। ये आवाज़ सुनाई देने के बाद कोई स्पेस को क्रैक करके एक तरह का पावर का यूज करके उन दोनों को सप्रेस करने लगता है। ये देखकर लेंग उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो झांतियन का इनहेरिटेंस मेरा ही होता। तभी यान दोंग एक अजीब तरह का बोल जिसके पीछे लेंग पड़ा होता है वो फैंग को देते हुए उससे कहता है कि ये तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। ये देखकर लेंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। लेकिन तभी वो दोनों गायब हो जाते हैं। वहीं पर उसे देखकर फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं क्या है क्या। शिव बताती है कि उसका गोल शायद ये होगा कि वो नहीं चाहता था कि ये चीज़ लेंग फैमिली के हाथ में जाए, इसलिए मेरे हिसाब से तुम इसे रख लो। इसलिए फैंग उसे रख लेता है। उसे देखकर बेदो का होली सन कहता है कि वो लोग सच में कितने बड़े इडियट हैं, उन्हें उतना ज़्यादा खास चीज़ मिल गया है लेकिन फिर भी वो लोग कितना ज़्यादा शांत लग रहे हैं। तभी फैंग पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन था जो कि बोलकर उन्हें सप्रेस कर दिया था। यानकिंग कहती है शायद मेरे हिसाब से कोई सेंट होगा क्योंकि उनके पास स्पेस को रेवेज करने का पावर होता है। तभी वहाँ पर लांगशिया को होली सन भी आ जाता है और वो पहले से लेवल अप कर लिया होता है और आकर फैंग से कहते हैं कि इस बार तुम मरोगे और मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम्हें कोई बचा भी पाएगा। उसकी बातें सुनकर फैंग कहता है कि लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे क्योंकि इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है। यह सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और फैंग पर अटैक कर देता है। लेकिन उसका अटैक लगने से पहले यान किंग उसके अटैक को न्यूलीफाई कर देती है। उसका थंडर एटीट्यूड को देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और उससे पूछता है कौन हो तुम और तुम उसके हेल्प क्यों कर रही हो। यान किंग कहते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तभी शिव कहते हैं आसमान को देखकर लग रहा है कि अब वो दोनों एक साथ चमकने वाले हैं। ये सुनकर लांगशिया को होलिसन कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। ये बोलकर वो उसमें एंटर कर जाता है और उसके पीछे पीछे वो लोग भी चले जाते हैं क्योंकि अब टॉम ओपन होने वाला होता है। फैंग अपना फार्मासिस्ट का पावर का यूज करके उन लोगों को वहाँ का पोजन से बचा कर लेकर चला जाता है जहाँ पर पहले से काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा मौजूद होता है जिस पर बैटल हेवन करके कुछ लिखा होता है। उसे देखकर फैंग को काफ़ी भयानक फाइटिंग इंटेंट फील होने लगा होता है। तभी फैंग को कुछ अजीब अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देने लगी होती है जो कि उसे फाइट करने के लिए उत्साहित कर रही होती है और वो उसे अपने वश में करने की भी कोशिश कर रहा होता है जिसके कंट्रोल में फैंग आ भी जाता है और वो कुछ करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन उससे पहले यान किंग उसे होश में लाते हुए कहती है कि तुम अचानक बिल्कुल शांत क्यों हो गए थे। अपना वैसा हालत देखकर वो कहने लगा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उनसे कहता है कि यहाँ का इनहेरिटेंस मेरा मेन गोल नहीं है बल्कि गेट के सामने बेस्ट पोजीशन को सीज करके अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व करना है। और लांगशिया को होलिसन को देखकर उन्हें उससे बचकर रहने के लिए कहता है। तभी उसकी नज़र एक और बंदे पर चली जाती है जिसका टेरिफेंग एनर्जी को देखकर वो पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन है। उसे देखकर यान किंग उसे बताती है कि शायद वो बंदा ब्लड डीमन शैडो से बिलोंग करता होगा। ब्लड डीमन शैडो एक मिस्टीरियस ओरिजिन है, वो अपने डेब्यू के साथ ही काफ़ी सारे सेंट को हरा दिया था और वो काफ़ी सारे होली पैलेस का वांटेड क्रिमिनल भी बन गया है लेकिन हर बार वो अजीब तरह से बचकर भाग जाता है। मुझे लगा नहीं था कि वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फैंग एक और बंदे को देखकर कहता है कि हमें उससे भी बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का पॉइजन का असर भी उस पर नहीं हो रहा है। वो बंदा एक बारबेरियन होता है। जब कोई बिस्ट किसी सर्टन लेवल पर पहुंच जाता है तो वो लोग इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और उसके बच्चे को बारबेरियन कहते हैं और वो बारबेरियन जांगिंग फैमिली से बिलोंग करता है जो कि एक रॉयल बारबेरियन फैमिली है। तभी सन और मून दोनों एक साथ चमकते हैं जिसका रोशनी गेट पर पड़ता है जिससे वो खुल जाता है और सभी लोग उसमें जाने लगे होते हैं जिसमें से एक फैंग भी होता है। लेकिन यान किंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उस टॉम में 3 लेवल है, जितनी बार भी वो टॉम ओपन होता है तो कई सारे लोग बीच में ही मारे जाते हैं। इस टॉम का सिचुएशन हमेशा बदलते रहता है और जितनी बार भी वो ओपन होता है अंदर का चैलेंजिंग लेवल अलग अलग होता है और वो दोबारा कभी भी रिपीट नहीं होता है, इसलिए किसी को भी नहीं पता कि वो किस तरह का चैलेंज को फेस करेगा। और हर लेवल में कई सारे रेयर ट्रेजर भी होते हैं जो कि सेक्रेट आइटम और साइकिक भी हो सकता है। उन ट्रेजर के बारे में सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वही लोग सबसे लास्ट एंटर करने वाले होते हैं और जब वो लोग उसमें एंटर कर जाते हैं तो उनका पावर लेवल सप्रेस हो जाता है। लेकिन फैंग का क्लीन वाला आर्म का पावर सप्रेस नहीं हुआ होता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो लोग उसके अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा जगह होता है और एक बहुत ही बड़ा जंगल भी होता है और वहां पर काफ़ी सारे लोग पहले ही मारे जा चुके होते हैं। उन्हें देखकर वो लोग कहते हैं कि यहां का बिस्ट डिवाइन लेवल का होगा जिससे वो लोग बच नहीं पाए होंगे। तभी उन्हें सामने में एक स्टोन टेबल दिखाई देता है जिसमें 3 ऑब्स्टेकल के बारे में लिखा होता है। वो देखकर जानकिंग कहते हैं कि शायद यही 3 मेजर ऑब्स्टेकल होगा जिसे कि सेंट झांतियन सेट किया होगा और जिस फेरी ट्रेल के बारे में यहां पर लिखा है वो शायद हमारे सामने ही होगा। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और
उसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ बिस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। उसे खत्म करके यानकिंग कहते हैं काफी सरप्राइज की बात है कि सिर्फ एक ही दिन में हजारों बिस्ट खत्म कर दिए गए हैं और बिस्ट की संख्या भी काफी ज्यादा कम हो गया है। तभी वहाँ पर जितने भी होली सन और उसके वॉरियर मौजूद होते हैं कोई उन लोगों पर अटैक करने लगा होता है। वो देखकर फैंग लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो देखकर यानकिंग कहते हैं उनका असली गोल सिर्फ होली पैलेस के होली सन ही लग रहे हैं, आखिर वो लोग कौन है और उन्हें खत्म क्यों कर रहे हैं। फैंग उन्हें ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हेल ऑर्गेनाइजेशन का असासिन डोल होता है। वो असासिन डोल वो वॉरियर होते हैं जो कि काफी टाइम पहले मारे जा चुके हैं और उन पावरफुल वॉरियर के बॉडी को हेल ऑर्गेनाइजेशन वाले कलेक्ट करके पपेट बनाकर लोगों पर अटैक करवाते हैं, स्पेशली होली सन पर। च्यू की बातें सुनकर फैंग पूछते हैं वो लोग सिर्फ होली सन को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, आखिर वो लोग सभी होली पैलेस को अपना दुश्मन क्यों बना रहे हैं। यानकिंग कहते हैं उनका गोल उनके अलावा और कोई नहीं जानता है। वहीं पर वो सभी लोग उन असासिन डोल से फाइट कर रहे होते हैं और लांगचिया को होली सन अपना सन डिवाइन पावर का यूज करके फाइट करता है और कुछ देर के बाद होली सन तीन लोगों को सेक्रीफाई करके 100 से ज्यादा डोल को खत्म कर दिया होता है। तभी बेमंग का होली सन आकर कहते हैं कि जो जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो लोग आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसे देखकर शिव कहती है कि वो बंदा जरूर लाइट अलायंस का मेंबर होगा। वहीं पर बेमंग का होली सन सभी लोगों से कहता है कि लगता है कि इस बार हेल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तैयारी के साथ आया है। उनका पर्पस सभी होली लैंड का होली सन को खत्म करने का है। अगर हम उनसे हेड टू हेड फाइट करने जाएंगे तो उससे हमारी नुकसान होगा, इसीलिए मेरे ओपिनियन में सभी होली सन को एक साथ होकर एक नया फोर्स को स्टेबलाइज करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हेल ऑर्गेनाइजेशन का गेस्ट जाने के लिए। उसकी बातें सुनकर लांगचिया होली सन कहता है कि अगर हम लोग हाथ मिलाने जा रहे हो तो उसे लीड करने के लिए एक लीडर की भी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बेमिंग का होली सन कहता है कि मैं लांगचिया को होली सन को लीडर और बेदो का होली सन को डिप्टी लीडर अपॉइंट करता हूं और मैं और बाकी को होली सन हम सभी के सभी लोग अलायंस के एल्डर बनेंगे और एक साथ काम करके अलायंस को ऑपरेट करेंगे। वहीं पर उनकी बातें सुनकर फैंग कहता है कि वो तो काफी ज्यादा अच्छा बन रहा है, इसका मतलब जरूर उसके दाल में कुछ ना कुछ काला होगा। यानकिंग कहती है ऑफकोर्स उसका कुछ कारण होगा, वो सभी होली सन एक दिन होली लॉर्ड बनेंगे और तब होली सन का अलायंस होली लैंड का अलायंस बन जाएगा और उस वक्त क्या बेमिंग का होली सन सिर्फ और सिर्फ अलायंस के एल्डर ही बना रहना चाहेगा। फैंग कहता है ऑफकोर्स नहीं, उस वक्त वो लाइट अलायंस के पावर के साथ सभी होली लैंड का एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। यानकिंग कहते हैं हाँ, और उस वक्त होली सन का अलायंस पूरी तरह से लाइट अलायंस के अंदर में चला जाएगा और जो होली सन ग्रुप अलायंस बनाना चाहते हैं उसके अलावा भी हमें हिडन फैमिली वाले को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखते हैं और उस बारबेरियन और डीमन शैडो को भी कम नहीं समझना चाहिए। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसके तभी उन्हें काफी सारा बिस्ट दिखाई देता है जो कि आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बिस्ट अचानक वहां पर आ गया होता है और फैंग सोचते हैं कहीं ये बिस्ट उस फेरी ट्रेल से रिलेटेड तो नहीं है ना। और जिस जगह से वो सभी बिस्ट निकल रहे होते हैं फैंग लोग उसी जगह पर देखने चले जाते हैं जहाँ पर से एक बहुत ही बड़ा थंडर लाइन निकलता है जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उस लाइन का रोड सुनकर बाकी के लोग भी उसी दिशा में आने लगे होते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। और वो लाइन कोई आम लाइन नहीं होता है क्योंकि वो डिवाइन के पीक लेवल पर होता है और जहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी लोगों का लेवल एंसेस्टर लेवल में सप्रेस हो गया होता है, इसलिए उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो लोग उसके बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वही बारबेरियन आकर उससे फाइट करने चला जाता है, लेकिन वो बिस्ट काफी ज्यादा ताकतवर होता है जिससे वो बारबेरियन काफी दूर फेंका जाता है। वो देखकर फैंग सोचता है कि वो डिवाइन के पीक लेवल पर है इसलिए ऐसा तो होने ही था, लेकिन तभी वो उस बारबेरियन को बिल्कुल सही सलामत देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और उस बिस्ट को देखकर सोचता है तो इसीलिए अभी तो कोई भी उसका इनहेरिटेंस को ले नहीं पाया है क्योंकि पहला लेवल ही इतना ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। तभी लांगचिया को होली सन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बिस्ट उसके अटैक को डोज करने के लिए अर्थ ड्रैगन को समन कर देता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। दूसरे तरफ में दूसरा होली सन भी ट्राई करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो उस अर्थ ड्रैगन के द्वारा पिट जाता है। उसके बाद शैडो डीमन उससे फाइट करने जाता है। उन्हें देखकर यानकिंग कहती है कि वो सभी के सभी लोग वंचो वीकलिंग है, मैं दिखाती हूँ कि ताकत किसे कहते हैं। ये बोलकर वो अपने थंडर ड्रैगन वाले स्किल से हमला कर देती है लेकिन उसके अटैक से वो अर्थ ड्रैगन उसे बचा लेता है जिससे यानकिंग थोड़ी सी निराश हो जाती है। तभी वहां पर बेमिंग का होली सन आकर सबसे कहता है कि वो थंडर लाइन ऑलरेडी डिवाइन के पीक लेवल में है, इसलिए क्यों ना हम सभी के सभी लोग एक साथ मिलकर उससे फाइट करें और सेकंड लेवल में एंटर करने के बाद हम लोग अलग अलग हो जाएंगे और अपने अपने ताकत पर डिपेंड होंगे। उसका बात मानकर काफी सारे लोग मिलकर एक साथ उस बिस्ट पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बिस्ट काफी ज्यादा कोशिश करके उन सभी के अटैक से बच जाता है और एक शील्ड बना लेता है जो देखकर सभी का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। वहीं पर वो देखकर यानकिंग फैंग से कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका है। उसका जवाब में फैंग कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास एक तरीका है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे
होते हैं, कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वह फेंक रहा है और उसे बेवकूफ कहने लगे होते हैं, तो कुछ लोग उस पर विश्वास करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। उन सभी लोगों की बातें सुनकर फेंक कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या तुम लोग बेट करना चाहोगे। एक बंदा पूछता है कैसा बेट। फेंक कहता है कि 1 मिलियन क्रिस्टल के बेट की मैं उस थंडर लाइन का डिफेंस को तोड़ दूंगा या फिर नहीं, बोलो हिम्मत है तुम लोगों में बेट लगाने का। ये सुनकर एक होलीसन कहते हैं कि 1 मिलियन काफी ज्यादा कम है, मैं 3 मिलियन बेट करता हूँ। वो सुनकर बाकी के लोग भी 2-3 मिलियन बेट करने लगे होते हैं। उन्हें उतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर बेमिंग का होलीसन भी कहता है तो चलो मैं भी इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं 1 मिलियन बेट कर रहा हूँ, और हाँ मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम जीत जाओ ताकि हमें उससे ज्यादा दिनों तक फाइट ना करना पड़े। वहीं पर उनकी बातें सुनकर फैंक काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचता है कि देखते ही देखते 18 मिलियन क्रिस्टल मेरा हो जाएगा। ये सोचकर वो अपना स्काई मुद्रा वाले स्किल का यूज करके एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हाथ बनाने लगा होता है। वो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि वो तो बस एक छोटा सा ट्रिक है, मुझे तो लगा था कि उसके पास कुछ बहुत ही बड़ा स्किल होगा। इसी तरह की बातें सभी लोग करने लगे होते हैं। वहीं पर फेंक को दिखाते हैं जो कि किसी तरह के एनर्जी निकालकर अपने स्पिरिचुअल हाथ में डाल देता है, जिससे अब वो आसपास का सभी 5 एट्रीब्यूट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगा होता है। अब वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगे होते हैं कि अब ये क्या होने लगा है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर बेमिंग का होलीसन भी काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर उसके पास किस तरह का सेक्रेट स्किल है। वहीं पर फेंक को दिखाते हैं जहां पर उसे तकलीफ होने लगा होता है, क्योंकि उसका अभी का लेवल के कारण वो उस पावर को सह नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो अपना थंडर टर्टल का डिफेंस और अपना फायर क्लिम आर्म को एक्टिवेट कर लेता है। वो सब देखकर लांगशिया का होलीसन कहता है क्या वो बिस्ट तो नहीं है ना। दूसरी तरफ में क्लीन का ब्रेथ को फील करके बारबेरियन सोचता है कि कहीं वो क्लीन जून क्लान से बिलोंग तो नहीं करता है ना। वहीं पर फेंक को दिखाते हैं जो कि पिछले 1 घंटे से आसपास का पावर को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिससे उसका स्पिरिचुअल हाथ का लेवल डिवाइन का सेकंड इननेट रियलम में पहुंच गया होता है। और तभी फेंक उससे उस थंडर बिस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो बिस्ट इंजर्ड हो जाता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर उस पर सभी लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ देर तक चारों तरफ से उस पर अटैक करने के बाद वो लोग उसका काम तमाम करने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर बेमिंग का होलीसन फेंक को 1 मिलियन क्रिस्टल देते हुए कहता है कि मुझे विश्वास है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। वो लेकर फेंक बाकियों से कहता है और तुम लोगों का क्या, उसकी बात सुनकर बाकी के लोग भी उसे दे देते हैं। और तभी वो बारबेरियन फेंक से काफी ज्यादा इज्जत से पूछता है कि क्या आप किलिन जून क्लान के नोबल लॉर्ड है। वो सुनकर फेंक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। यान किंग उससे बताते हैं कि किलिन जून क्लान बारबेरियन ट्राइब का सबसे टॉप पर है और जनरल एंजेंट क्लान उससे कम्पीट भी नहीं कर सकता है, शायद तुम्हारा उस हाथ के कारण वो ऐसा सोच रहा है। उसकी बातें सुनकर फेंग उससे कहता है कि मेरा हाथ का किलिन जून क्लान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर वो बारबेरियन पूछता है तो कि इसका मतलब आप श्वानवु यानी कि थंडर टर्टल क्लान से है। वो सुनकर फेंग सोचता है कि शायद अभी मैं अपना डिफेंस स्किल का यूज किया था इसलिए उसको वैसा लग रहा है। वहीं पर उसकी बातें सुनकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर वो 2 क्लान का पावर को कैसे इनहेरिट कर लिया है। उन सभी की बातें सुनकर फेंग उनसे कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ। फेंग वो कह ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो फायरी ट्रेल अपीयर हो जाता है। उसे देखकर सभी लोग वहां पर जाने लगे होते हैं, जिसमें से एक फेंग भी होता है। लेकिन तभी वो बारबेरियन उसे रोकते हुए कहते हैं कि आपके पास उन दोनों का पावर है लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप नहीं जानते हैं हमारे बारबेरियन ट्राइब में एक बिस्ट टेंपल है और वहाँ पर एक बिस्ट फोन भी है और उसमें एक होली वाटर काफी सारे टैलेंट को अवेकन कर सकता है। अगर आप उसमें नहा लेते हैं तो आप अपने टैलेंट का बेस्ट पावर को एक्सेप्ट कर पाएंगे और तब जाकर आप नोबेल क्लान से कंपेरेबल हो जाएंगे या फिर उन्हें भी सरपास कर पाएंगे। उसकी बातें सुनकर फ्रैंक पूछता है क्या मैं उसमें एंटर कर सकता हूँ। बारबेरियन कहता ऑफकोर्स आप कर पाएंगे, हमारा बारबेरियन बिस्ट टेंपल हर 1 साल में एक बार ओपन होता है और सिर्फ 10 लोग ही उसमें एंटर कर सकते हैं। 100 क्लान में से सिर्फ 10 लोग ही उसमें जाने के लिए क्वालिफाई होते हैं। वो सब सुनकर फेंग सोचता है तो मुझे फिर से कंपटीशन पास करना पड़ेगा, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। इतना सोचकर फेंग उससे अपना नाम बताकर और थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। उससे जाता देखकर वो अपना नाम आर्नो बताकर याद रखने के लिए कहता है। ये बोलकर वो भी उसके साथ अंदर चला जाता है, जहां पर वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ा टावर होता है और उसमें लिखा होता है कि वो लेवल उन्हें पास करने के लिए अंदर में मौजूद 100 पपेट को हराना पड़ेगा। और जब कुछ लोग उसके अंदर एंटर करते हैं तो उनकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। वो सब सुनकर फेंग अंदर क्या चल रहा है देखने की कोशिश करता है लेकिन देख नहीं पाता है। और तभी काफी सारे और लोग एंटर कर जाते हैं और उनके भी चीखें सुनाई देने लगी होती है। वो सब देखकर और कोई भी होलीसन को एंटर ना करता देखकर फेंग अपने मन में कहता है कि वो सभी के सभी लोग काफी डरपोक निकले। ये सोचकर वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं पहले जाता हूं और तुम लोग कुछ देर के बाद आना। और जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास 7 और बैटलफील्ड के अगेंस्ट जाने का विल पावर नहीं है तो
तुम्हारे पास झांसियन का इनहेरिटेंस लेने का क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बोलकर वो उसमें एंटर कर जाता है, जहाँ पर उसे वो लेवल पार करने के लिए 100 पपेट को हराना पड़ेगा और वो वहाँ पर अपना वॉइड में चलने वाले स्किल का भी यूज नहीं कर सकता है। इसलिए वो अपना क्लिम आर्म का यूज करके एक पपेट पर हमला कर देता है। हमला करने पर उससे पता चलता है कि वो पपेट एंसेस्टर के पीक लेवल पर है। वो जानने के बाद फेंग उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर के बाद उनसे फाइट करके उन्हें खत्म करने के बाद वो उस लेवल को पार कर जाता है। उसके बाद यानकिंग आती है और वो भी उस लेवल को काफी आराम से पार करके आगे बढ़ते हुए कहती है कि लगता है कि ये टेस्ट उतना मुश्किल नहीं है जितना मैं सोची थी। ये बोलकर वो भी अगले फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां पर सभी पास किए हुए लोग पहुंचे होते हैं। उसे अकेला वहां पर आता देखकर फेंग उससे पूछता है कि तुम्हारे बाकी के लोग कहां पर है। यानकिंग उसे बताते कि वो दोनों पार्टिसिपेट नहीं करने के बारे में कहे हैं। तभी वहां पर एक गोल्डन स्टोन टेबलेट अपीयर हो जाता है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि इस हेवनली एग्जाम में 9 लेवल है। पहला लेवल में तुम लोगों को डिवाइन के सेकंड इननेट रिलेम वाले बेस्ट को हराना पड़ेगा। दूसरा लेवल में भी डिवाइन के सेकंड इननेट रिलेम वाले बेस्ट को हराना पड़ेगा। इसी तरह करते करते 8वें लेवल में डिवाइन के फोर्थ इननेट रिलेम वाले बेस्ट को हराना पड़ेगा और 9th लेवल में भी डिवाइन के फोर्थ इननेट रिलेम वाले बेस्ट को हराना पड़ेगा। और वो सभी लोग 9 लेवल में से सिर्फ एक ही लेवल को चुन सकते हैं और सभी लोग सिर्फ एक ही बार चुन सकते हैं। और अगर वो जीत जाता है तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा और अगर हार जाता है तो मौत मिलेगा। उसकी बातें सुनकर यानकिंग लेवल 7 को चुनती है और आर्मो लेवल 6 को चुनता है। और यानकिंग फेंग से पूछते हैं तुम कौन सा चुन रहे हो। फेंग कहते हैं कि मैं लेवल 4 को चुन रहा हूं क्योंकि यहां पर ज्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं। तभी वहां पर सभी फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां अपीयर हो जाती है और सभी लोग जाने लगे होते हैं और कुछ होलिसन लेवल 6 और लेवल 7 को चुनकर जाने लगते हैं। और उसके बाद यानकिंग और आर्मो भी अपने अपने लेवल में एंटर कर जाते हैं और फेंग अपने लेवल की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर शैडो डिमन पर जाती है जो कि 8वें लेवल को चैलेंज करता है। वो देखकर फेंग सोचते हैं उसका पावर तो कुछ होलिसन से भी ज्यादा लग रहा है। ये सोचकर वो अपने लेवल में एंटर कर जाता है और वो जैसे उसमें एंटर करता है वो नीचे रेगिस्तान में गिर जाता है और वो कुछ समझ पाता है कि तभी उसका ओपोनेंट एक बहुत ही बड़े बिच्छू आ जाता है जो आकर फेंग पर अटैक कर देता है। लेकिन फेंग उसके अटैक से बच जाता है और उससे फाइट करने लगा होता है, जिसमें फेंग उसके अटैक को सिर्फ अपने वॉइड वाली स्किल का यूज करके सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है। कुछ देर तक डॉज करने के बाद फेंग अपना साइकिक शॉट को निकालकर उस पर हमला कर देता है, जहां पर वो बिच्छू उसके अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन फिर भी उसके पैर में लगने के कारण उसका पैर कट जाता है, जिससे वो बिच्छू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फेंग पर अटैक कर देता है जिससे उसे लग जाती है, जिससे अब फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे प्रोवोक करके अपने आप पर अटैक करने के लिए कहता है। इसलिए जब वो उस पर अटैक करने जाता है तो फेंग वहां से गायब हो जाता है और गायब होकर उसे गर्दन के नीचे आ जाता है और उसका काम ही तमाम कर देता है। उसका काम तमाम करने के बाद वो चैन की सांस लेने ही वाला होता है कि तभी आसमान में कुछ अपीयर हो जाता है, जिससे वहां का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ने लगा होता है और फेंग खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। और इसी के साथ यही इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।